वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट गुरु BKS। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। BKS क्रिकेट कोचिंग मैनुअल बुक, इस किताब को आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाइट चार्ट फॉर प्लेयर्स, डाइट चार्ट फॉर क्रिकेटर्स। पहले तो प्लेयर्स को अर्ली इन द मॉर्निंग वेकअप करना चाहिए। फ्रेश होने के बाद हॉट वाटर विथ लेमन या फिर हनी के साथ भी ले सकते हैं। इंडोर योगा करना चाहिए 10 से 15 मिनट। जॉगिंग फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे ही। अंजीर, अखरोट, पिस्ता, बादाम ये सब 5-5 की मात्रा में खा सकते हैं। एक ग्लास दूध विथ हेल्थ सप्लीमेंट खानी चाहिए। 2 अंडा और 1 एप्पल ले सकते हैं। स्प्राउटेड चना या फिर सलाद भी ले सकते हैं गुड़ के साथ। ओट्स, सत्तू, पोहा, ढोकला, इडली, उपमा, डोसा ये सब ले सकते हैं। 2 रोटी और सब्जी भी लेना चाहिए ब्रेकफास्ट में। कोई भी एक फल डेली लेना चाहिए प्लेयर्स लोगों को, जैसे कि ऑरेंज, वाटरमेलन। दोपहर के लंच में 1 प्लेट सलाद मस्ट है प्लेयर्स लोग को। रोटी या फिर चावल ले सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ। शाम को फ्रूट्स या फिर अंजीर, आलमंड, अखरोट ले सकते हैं 5-5 पीस में। स्प्राउटेड चना एक छोटी सी बोल में खानी चाहिए। डिनर में प्लेयर्स लोग को सलाद ले सकते हैं, रोटी या फिर राइस ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। सोने से पहले 1 ग्लास दूध में हेल्थ सप्लीमेंट मिला के ज़रूर पीना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, जैसे कि 10 से 12 ग्लास वाटर ज़रूर पीना चाहिए हर रोज़। एक्सेस चीनी नहीं खानी चाहिए। तला भुना खाना अवॉइड करना चाहिए प्लेयर्स लोगों को। अधिक मात्रा में नमक भी नहीं लेनी चाहिए खाने में। मसालेदार खाने से भी परहेज करना चाहिए प्लेयर्स लोगों को, जिंजर यानी कि अदरक से खास करके। आंवला एवरीडे खाना चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद हर एक प्लेयर को जरूर लेनी चाहिए। सोने से पहले मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी चाहिए। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखनी चाहिए। जैसे इस फोटो में आप देख पा रहे हैं हेल्थ सप्लीमेंट है, इस हेल्थ सप्लीमेंट को हम आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो फिर कमेंट करें हमारे इस वीडियो में। 10 साल के ऊपर के बच्चे ले सकते हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स। इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड, पहला BMI हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। ओवरवेट प्लेयर्स को अपना वेट लूज करने में ध्यान रखना चाहिए, अंडरवेट प्लेयर्स को अपना वेट गेन करना चाहिए। हेल्थ सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए हर एक प्लेयर्स को, इससे स्टैमिना बिल्डअप होता है। स्टैमिना को चेक करने के लिए प्लेयर्स को यो-यो टेस्ट करनी चाहिए बीच बीच में। यो-यो टेस्ट के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं अगला वीडियो यो-यो टेस्ट पे बनाऊंगा, आप लोग देख सकते हैं।